अलेजेड लिंकअप वाले कपल्स के जिन पिक्चर्स को एक दूसरे के दिलों में चिपकाना था, वही पिक्चर्स हेडलाइन बनकर चिपक रहे हैं बॉलीवुड गॉसिप से। फॉरेन डेस्टिनेशंस में जिन पिक्चर्स में कैप्चर हुए स्टार्स का सीक्रेट हॉलिडे, वो एक के बाद एक पब्लिक होती जा रही है और यही खबर बन गई है इस वीक की नंबर 10 बज मेकर। रणबीर कटरीना के बाद इन पिक्चर्स के जरिए निकल कर बाहर आ गया है उदय चोपड़ा और नरगिस फाकरी का न्यू ईयर सेलिब्रेशन। इस पिक्चर में नरगिस कुछ उसी अंदाज में कैप्चर हुई है जिस तरह कटरीना स्पेन हॉलिडे के दौरान रणबीर के साथ नजर आई थी। कटरीना भी बिकनी में ही थी और अब कटरीना की ही तरह नरगिस भी बिकनी में क्लिक कर ली गई हैं। कटरीना भी शटरबग से अनजान नजर आ रही थी तो नरगिस भी बेपरवाह दिख रही हैं। जिस तरह रणबीर कटरीना के साथ हॉलिडे में क्वालिटी टाइम स्पेंड करते दिखे थे, ठीक उसी तरह उदय चोपड़ा और नरगिस इस बीच पर न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हुए स्पॉट किए गए हैं। हालांकि रणबीर कटरीना न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए नहीं बल्कि एक सीक्रेट हॉलिडे के लिए स्पेन गए थे, लेकिन रिपोर्टेडली उदय चोपड़ा और नरगिस फाकरी ने न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए मालदीव्स को चुना। पिछले कई दिनों से खबरें हैं कि उदय चोपड़ा नरगिस फाकरी को डेट कर रहे हैं, लेकिन उदय नरगिस को जस्ट फ्रेंड बताकर लिंकअप की खबरों को रूमर बताते आए हैं। पर अब जब उदय और नरगिस का न्यू ईयर सेलिब्रेशन की ये पिक्चर मीडिया में आ गई है, तो देखना होगा उदय क्या जवाब देते हैं।